नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विज्ञापन में देवेंद्र फर्नांडिस का फोटो नहीं दिखाया गया और सीएम शिंदे को उनसे बेहतर बताया गया। इससे खटास और भी बढ़ गई है। आज जानते हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को सुलह का ऑफर दे डाला। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ऊंची छलांग लगाने की हड़बड़ी में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है। कल के विज्ञापन को लेकर भले ही भूल सुधार ली गई हो और नए विज्ञापन में सीएम शिंदे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दिखने की बजाय देवेंद्र फर्नांडिस के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन बाढ़ तो धनुष से निकल चुका है। बीजेपी के सीने पर तीर लग चुका है। 50 विधायकों के समर्थन वाले नेता एकनाथ शिंदे, 105 विधायकों के नेता देवेंद्र फर्नांडिस का इतना बड़ा अपमान कैसे सह सकते हैं? बात इतनी ही नहीं, उल्टा शिंदे गुट के कई नेता अब भी बयानबाजी कर रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे की वजह से बीजेपी की महाराष्ट्र में हैसियत बनी रही, वरना उसकी यहाँ हैसियत क्या ही थी। एक नेता कह रहा है कि शिंदे गुट की बगावत की वजह से यह ठीक है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता में रहने के लिए शिंदे गुट की दरकार है, लेकिन शिंदे गुट का बीजेपी से साथ छूट गया तब वो अस्तित्व पर ही सवाल है। ये लोग तर्क दे रहे हैं कि बीजेपी के अनिल बोंडे जैसे नेता भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे, लेकिन उनका गुस्सा जायज है, निकाल देना चाहिए। आप करतूत भी करें और गुस्सा भी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कल्याण सीट के लिए शिंदे गुट ने हंगामा खड़ा किया था। सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत बेविच इमोशनल होकर सांसद के पद से इस्तीफा देने की धमकी देने लगे। उनका तर्क था कि बीजेपी के रविंद्र चव्हाड़ कह रहे हैं कि कल्याण सीट से बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा होगा। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन कूले को बीच में कूद कर यह कहना पड़ा कि ऐसा नहीं होगा। जब ऐसी कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई थी तो शिंदे को बेवजह नाटक करने की जरूरत नहीं थी। मीडिया में तो मतभेद के संकेत चले गए ना। शिंदे फर्नांडिस या शिवसेना बीजेपी के बीच बढ़ते खटास के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने उद्धव ठाकरे को सुलह सफाई का एक बार फिर ऑफर दिया। उत्तर प्रदेश के उम्र मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उद्धव ठाकरे को ऑफर देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को अगर बीजेपी के साथ आना है तो उनके लिए दरवाजे सदा खुले रहेंगे। उद्धव ठाकरे इस बारे में हमारे राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा करें, लेकिन हम उद्धव ठाकरे के पास नहीं जाएंगे। वे सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ गए और बाला साहेब ठाकरे के विचारों को छोड़ दिया। सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।